हे गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं ओप्पो की तरफ से आने वाले एक स्मार्टफोन के बारे में जिसका नाम है K10। ये एक 4G फोन है। लिटरली इसका फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, इसके बॉक्स में आपको क्या क्या न्यू चीज़ देखने को मिलता है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये फ़ोन आपको दो कलर में देखने को मिलती है, एक ब्लू फ्लेम के साथ और एक ब्लैक कार्बन के साथ। अब इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, जो कि आती है 6.59 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले के साथ आती है। अब इसके रिफ्रेश रेट के बारे में बात करते हैं, जो कि आते हैं 90 Hz का इसमें रिफ्रेश देखने को मौका मिलती है। अब इसके बॉडी टू स्क्रीन रेशियो को बात कर लेते हैं, जो कि आते हैं 90.80% इसका बॉडी टू स्क्रीन रेशियो इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगी। इस फोन में आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलती है। अब इसकी चार्जिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 33 W का सुपर वोक चार्जर के साथ इस फोन में आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज एंड रैम के बारे में। ये फोन में आपको एक वेरिएंट में आपको स्टोरेज देखने को मिलती है, दो वेरिएंट में रैम देखने को मिलती है। पहले स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आते हैं 128 GB का इसमें स्टोरेज देखने को मौका मिलती है। अब रैम के बारे में बात करते हैं, जो कि 6 GB एंड 8 GB के आपको इसमें रैम देखने को मौका मिलती है। इस फोन में प्रोसेसर देखने को मिल रही है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 के साथ, जो कि जितना भी मिड रेंज का जो फोन है उसमें बहुत सारे फोन में यही प्रोसेसर लग रहे हैं। इट मीन्स कि इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, जो कि आते हैं एंड्रॉयड 11 के साथ, जो प्रोसेसर का कोर है इसमें ओक्टा कोर के साथ आते हैं। अब बारी आती है बात करने के लिए कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में। इसमें 4G 3G 2G तक इसमें सपोर्टिव है। इसमें USB कनेक्टिविटी सपोर्ट है, NFC इसमें सपोर्ट नहीं है, ब्लूटूथ भी सपोर्ट है। इसका वर्जन है 5.0 का है। अगर 5.1 या 2 रहते तो काफ़ी अच्छा रहता। अब इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलती है। इसमें GPS सपोर्ट भी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन के लिए। इस फोन में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मौका मिलती है। 50 MP का मेन कैमरा, 2 MP का मैक्रो कैमरा। अब इसके सेकेंडरी कैमरा के बारे में बात कर लें, जिसको बोलते हैं सेल्फी कैमरा, इसमें 16 MP का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलती है। अब इसके जूमिंग पावर के बारे में बात कर लें, जो कि आते हैं 10x का इसमें जूमिंग पावर आपको देखने को मिलेगी। अब जान लेते हैं डायमेंशन एंड वेट के बारे में। सबसे पहले डायमेंशन के बारे में जान लेते हैं। विड्थ आती है 75.7 mm, हाइट आती है 164.4 mm, डेप्थ आती है 8.4 mm। अब इसके वेट के बारे में जान लेते हैं, जो कि आते हैं 189 ग्राम। न ज़्यादा हेवी है न ज़्यादा लाइट है, एक कॉम्पैक्ट है इस फ़ोन के लिए। अब जानते हैं कुछ अदर फीचर्स के बारे में। इसमें FM रेडियो सपोर्ट है। इसका स्टोरेज को आप 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। सिम टाइप आपको डुअल मिलेगा इसमें, सिम साइज आपको नैनो मिलेगा। लास्टली इसके प्राइस के बारे में जान लेते हैं। अगर आप लेते हो 6+128 वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको पड़ेगा 14,990। अगर आप लेते हो 8+128 GB वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको पड़ेगा 16,990। लास्टली एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, इसमें साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे लेवल का वीडियो लेकर।